लक्ष्मण बाग संस्थान के गौशाला में आज स्वर्गीय कैलाश सारंग के जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल रहे मौजूद। उन्होंने उनकी जयंती के अवसर पर गायों को चारा और गुड़ खिलाया, तत्पश्चात उनकी फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौशाला संचालक प्रभाकर चतुर्वेदी, वेंकटेश पांडे, राजगोपाल चारी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय कैलाश सारंग के बारे में बताया कि भाजपा को उन्होंने रीवा सहित पूरे प्रदेश में स्थापित किया है। श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कैलाश सारंग जी ने जनसंघ के जमाने से प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जितना भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं का योगदान रहा, इन्होंने मध्य प्रदेश को भाजपा का गढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें स्वर्गीय कैलाश सारंग जी का भी बड़ा योगदान रहा। साथ ही उनका आत्मीय रिश्ता रीवा से रहा तथा हमारे पारिवारिक संबंध भी स्वर्गीय सारंग जी से रहे हैं। वो मुझसे पुत्रवत स्नेह भी रखते थे, प्रदेश में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाता रहा रीवा से? आदरणीय कैलाश सारंग जी जिनकी आज जयंती है, उनका नाता, उनका योगदान यदि मध्य प्रदेश से, जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से के बारे में हम बताएंगे तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यदि नहीं होते तो शायद कांग्रेस के खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी का बीजारोपण से लेके और उसकी वृद्धि, उसकी तरक्की, उसका विकास होना आसान नहीं था। आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी, आदरणीय कैलाश जोशी जी, आदरणीय कैलाश सारंग जी, आदरणीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी, धारीलाल खंडेलवाल जी, यदि मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश को जनसंघ का, भाजपा का गढ़ माना जाता था तो पूरे मध्य प्रदेश को गढ़ बनाने वाले जिन लोगों का मैंने आप नाम लिया, उनके साथ आदरणीय कैलाश सारंग जी का भी नाम लिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना व्यापक, उस समय तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था और संगठन की दृष्टि से मध्य प्रदेश समूचे, इतने बड़े मध्य प्रदेश का कौनों कोने कोने नापने का काम कैलाश सारंग जी ने किया। हर जगह गए, लोगों को जोड़ा, संगठन को बढ़ाया, संगठन के उद्देश्य को बताया और किस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें देश को रसातल की ओर ले जा रही हैं, ये लोगों को समझाया और धीरे धीरे करके जनसंघ बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी बढ़ी और पूरे देश के, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी कहता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे आदर्श मजबूत संगठन है। तो जब ये स्थिति तैयार हुई है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ठाकरे जी, पटवा जी, जोशी जी के साथ साथ आदरणीय कैलाश सारंग जी का कितना बड़ा योगदान है और इसलिए हम लोगों ने उनको याद किया है। उनकी जयंती में मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क रहा, बड़ा स्नेह, पुत्रवत स्नेह उनका मिलता था जब भी मैं कभी जाता था, इसलिए मेरे मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। वैसे आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और उसमें हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि। स्वर्गीय भैयालाल जी से भी नाता रहा? हाँ, हमारे पूज्य पिताजी से भी जब वो रीवा आते थे तो उनसे भी मिलने, वो बताया करते थे वाकया कि मैं आपके पिताजी से मिला और जब भी मैंने, उन दोनों के बड़े आत्मीय संबंध थे और मेरे पिताजी के व्यक्तित्व से भी सारंग जी बहुत प्रभावित थे, वैसे जब मैं मिलता था तो वो हमेशा उनकी चर्चा करते थे।